हेलो गाइस, जितनी भी माताएं बहनें और भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आप लोग मुझे अपने बेटे की तरह मानते हो, अपने भाई की तरह मानते हो, तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए एक काम है जो आपको करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने भी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, आप लोग मेरी बहनों की तरह है, और जितनी भी यहाँ पर माताएँ हैं, मैं आपको माता की तरह ही मानता हूँ। और ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे YouTube पर बहुत सारी वीडियोस है जो कि स्लेट पेंसिल खाने से रिलेटेड वीडियोस है, आप लोग देखते आ रहे हो और ये सब खाते भी आ रहे हो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर ये वीडियोस ऐसे ही रही, YouTube पर ऐसे ही रही, कल दिन आपके बच्चे होंगे और वो भी ये वीडियोस देखेंगे तो क्या होगा? आप लोगों ने कभी सोचा है? आप लोगों ने जितनी भी प्रॉब्लम फेस किया है ये सब खाने से, आपके बच्चे भी वही प्रॉब्लम फेस करेंगे। आजकल आप लोगों को पता है कि सबके पास फ़ोन है, छोटे छोटे बच्चे जितने भी उनके पास फ़ोन है, तो उनके पास जब ये वीडियो जाएगी तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि ये क्या चीज़ होती है खाने के लिए, तो उनके मन में इसके प्रति क्रेविंग बढ़ेगी और वो भी इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग खुद ही सोचो, आपके बच्चे ये सब खाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब खा रहे हैं और ये सब खाने से उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या आप लोगों से ये देखा जाएगा? मैं सच बात बोलूं, अगर मेरे बच्चे ये सब खाते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगा और ना ही ये सब देखने दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ये YouTube पर वीडियोस बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं। जब तक इनकी वीडियोस YouTube पर रहेगी तब तक ये समझ लो कि आपके बच्चे के पास ये वीडियो जाएगी ही जाएगी, वो सर्च ना भी करे फिर भी उसके पास ये वीडियो पहुँचेगी और ज़रूर पहुँचेगी। तो जितनी भी माताएँ और बहनें इस चैनल पर हैं और मेरे भाई लोग जितने भी हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मुझे अपने भाई की तरह मानो, मुझे भी अपने बेटे की तरह मानो और जो मैं आपको कह रहा हूँ वो करना। जितने भी ये YouTube पर आप लोगों ने वीडियोज़ बनाने वाले देखे होंगे, इनके कमेंट में जाना, इनको कमेंट करना कि ये आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये करना बंद कर दो, क्योंकि अभी ये खाने से बहुत सारी औरतों लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे चलकर भी और ज़्यादा लड़कियों औरतों और लड़कों को भी ये प्रॉब्लम होगी। जो जो इसको खाएगा उन सबको प्रॉब्लम होगी, सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही इससे प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि लड़कों को भी इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर इसको लड़कियां और औरतें खाती है और इससे ना फ्यूचर में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें होने वाली है, आपके बच्चा पैदा करने में बहुत सारी तकलीफ़ें होने वाली है, आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। हमारा जो शरीर होता है ना, ये एक हेल्दी शरीर होना चाहिए। अगर आप लोग ये सब खाते हो तो आप लोग अपने शरीर को नुकसान दे रहे हो, जिससे आगे चलकर आपका शरीर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देगा और वो प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि ठीक नहीं होती, आप कितनी भी मेडिसिन ले लो वो ठीक नहीं होती है। अगर आप टाइम रहते अपने शरीर को सुधार देते हो, अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हो, तब आपका शरीर बहुत अच्छा चलता है और पूरी ज़िंदगी अच्छे आप जीते हो। तो आप लोगों को अपना शरीर अच्छा रखना है और ना ही ये सब खाना है और ना ही खाने देना है। जितनी भी लड़के आप लोगों ने देखी होगी YouTube पर, बहुत सारे लड़के आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो आप उनके कमेंट सेक्शन में जाना, उनको कमेंट करना और उनको बताना, उनको समझाना कि उनकी वीडियो से आगे क्या हो रहा है। वो तो अपने फ़ायदे के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि कितने लोगों का इससे नुकसान हो रहा है, जबकि आपके बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुँच रही है तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चों की जो उम्र होती है वो ग्रो करने की होती है, लेकिन अगर वो अभी से इन प्रॉब्लम में फंस गए तो वो कैसे बाहर निकलेंगे? आप लोग सोचना और उनको ज़रूर से कमेंट करना और फिर आप लोग मेरे चैनल पर आना और मुझे कमेंट करना कि वो लोग क्या बोलते हैं। जैसे जैसे आप बोलोगे मैं वैसे वैसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता जाऊँगा, जैसे आप समझाना चाहते हो या फिर जो भी बताना चाहते हो वो सब कुछ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं वीडियोज़ के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे अपने बेटे की तरह मानते हो या फिर अपने भाई की तरह मानते हो तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट पूरी कर देना और जितनी भी लड़कियां ये सब खाती है ना, ये वीडियो उनको शेयर कर देना और उनको बताना कि इसको खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जितनी मेरी वीडियोज़ है वो सब कुछ आप लोग उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ बताई है कि लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, तो वो वीडियोज़ उनको शेयर करना। और इस चैनल पर जितनी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उनमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या मुझे करना चाहिए, वो सब कुछ आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो प्लीज़ जो भी मैंने बोला है औरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही सही,
लेकिन जरूर से करना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप मेरी बात को समझोगे और वो करोगे। और नीचे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख देना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और जैसी जैसी वीडियोज़ आप लोग के लिए चाहिए, नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो क्या क्या कमियाँ रहती है, वो सब कुछ आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियो जारी होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो।